पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया कि हम लोग सही सलामत मधुबनी से निकलकर सोनपुर पहुंच गए और आज मुझे आप लोगों को सोनपुर का मेला घुमाना और दिखाना है। अगर आपने अभी तक हमारा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा कि हम लोग मधुबनी से सोनपुर तक कैसे पहुंचे, तो आप लोग पहले हमारा इससे पहले वाला वीडियो देखकर आए, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए अब आपको हम सोनपुर का मेला घुमाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ विवेक कुमार मधुबनी बिहार से। ये शुरू हो गया सोनपुर मेला। मेले में घुसते सबसे पहले हमें ठेले पे दिखा रंग बिरंगे छोटे छोटे कैंडी, जिसको आपने बचपन में कभी न कभी खाया जरूर होगा। वहाँ से मैंने लिया इमली का गोला। सोनपुर मेला के स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेगी आपको खाने पीने के लिए कुछ सामग्री, और उसके बाद ही मिलेगी यहाँ पे स्टडी टेबल, और जिसको हम जैसे बच्चे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए। और इस टेबल का रेट इन्होंने रखा हुआ है 300 रुपया। उसके बाद हमें देखने को मिली यहाँ पे बकरी का सेल। ये बकरी है जिसका रेट इन्होंने रखा हुआ 24,000, पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आप लोग मोल भाव कीजिएगा तो ये 12 से 13 हज़ार में दे देगा। और ये जो है जो बैल का पट्टा है, जो कभी भी पूजन वूजन जब होता है बैल सबका, तब उसको पहनाया जाता है। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ राजस्थानी बकरी, और ये सब राजस्थानी बकरी है, और इस सारे का प्राइस एकदम हाई होगा। बेसिकली यहाँ पे हर एक टाइप का बकरी और छागर भी मिलता है, और वो मिल भी जाएगा, और आगे और भी सारे जानवर बिक रहे हैं। अब मैं यहाँ के बारे में एक बात बताता हूँ, यहाँ का जितना भी दुकानदार है वो सही से बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ब्लॉगर सभा हैं वो इतना ना परेशान कर दिया दुकानदार लोगों को। उनका कहना है कि हम उन लोगों का बिजनेस खराब हो जाता है अगर वो बातचीत में लग जाते हैं। तो खैर, उन लोगों का बात कहना भी एकदम सही है, उसमें हमारा कोई अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं है, जो है सबका अपना अपना ड्यूटी है। मेरा ब्लॉगिंग काम है, उनका काम है अपना बकरी बेचना। और फिर हम चले गए अंडर वाटर फिश टनल देखने। अंडर वाटर फिश टनल, इसका टिकट का दाम पड़ा है हम लोगों को 100 रुपया। अंदर जाते वक्त भीड़ बहुत ज्यादा नहीं है, पर रास्ता को बहुत घुमा फिरा करके अंदर ले जाया गया है। अंदर पहुंचते ही पूरा माहौल नीला नीला हो गया, परंतु उससे भी छोटे छोटे और प्यारे प्यारे मछलियाँ को देख करके मन एकदम गदगद हो गया। और फिर मैंने देखा जीवों ने पहली बार पिराना मछली को। मैंने इससे पहले केवल इसको फिल्मों में ही देखा करता था, और ये वही मछली है दोस्तों जो इंसानों को झुंड पे हमला करती है एवं पूरा का पूरा मांस खा जाता है इंसानों का। और ऐसे ऐसे कई मछलियां भी बाकी हैं दोस्तों जो मुझे आपको दिखाना है, आप लोग वीडियो में बस बने रहिए। और ये है दुनिया की दूसरी सबसे छोटी मछलियां, जो कि समंदर के गहराइयों में पत्थरों के पास मिलती है। आपने कभी न कभी प्लैटी फिश का नाम जरूर सुना होगा, ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और बहुत ही महीन महीन होते हैं, और ये भी समंदर के गहराइयों में पाई जाती है। और ये है जेब्रा थाइलेपिया बोलिए, फिर जेब्रा थेलेपिया, ये भी अक्सर झुंड में पाए जाते हैं, और इसका रंग होता है जेब्रा के जैसा, यानी शरीर पे व्हाइट और ब्लैक कलर का पट्टा होता है, जिस कारण से इसको जेब्रा थेलेपिया बोला जाता है। और यह है टिन फॉइल फिश, जो ज्यादातर साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, और ये मछलियां तैरने में काफी ज्यादा तेज होती है। इसको पहली बार 1853 में नोटिस किया गया था, और ये गुलाबी एवं नीला के अलावा लाल रंग के भी होते हैं एवं पीला रंग के भी होते हैं। देखिए दोस्तों, एलिगेटर मतलब होता है एक तरफ से मगरमच्छ का प्रजाति, और इसका जो चोंच है वो है एलिगेटर टाइप का, इसलिए इसका नाम है एलिगेटर गार्डफिश। और यह है सिल्वर डॉलर, सिल्वर डॉलर मतलब सुनहरा रंग का, एकदम छोटा छोटा एकदम छोटा और एकदम सिल्वर कलर का। तो जो दो साल यहाँ पे दो फिश है, एक है ये वाला और एक वो वाला। जैसे आप क्या खिलाते हैं, क्या करता है ये, जूम करो जूम, कोई रिएक्शन नहीं है, पता नहीं मतलब सब होता है, कभी कभी ओरिजिनल है या नहीं, पर लग तो रहा है कि ओरिजिनल ही है। और यहाँ पे मुझे एक और दिखा है, वो फिश एलिगेटर गार्ड फिश, जो कि पता नहीं मरा हुआ है कि जिंदा है, पर वो बड़ा वाला है, वो कुछ चल ही नहीं रहा, वो कोना में है उस साइड में, कोई रिएक्शन ही नहीं, कोई एक्शन ही नहीं है उसका, जिंदा है बड़ा वाला, इधर आ नहीं रहा है, छुपा हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, उसका नाम तो पता नहीं है। मेरे ख्याल से वो दोनों फिश मर चुके हैं, क्योंकि वो लोग आंख भी ब्लिंक नहीं कर रही है। जिंदा है, सॉरी, वो दोनों सबको जिंदा है। चला जिंदा तो है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। और ये है टाइगर कैटफिश, इनको टाइगर कैटफिश इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके प्रजाति की मछलियाँ समंदर के जंगली वाले इलाकों में रहना पसंद करते हैं। इसका जीवन काल केवल 5 से 10 सालों का होता है। अभी फिल्म खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, बहुत कुछ देखना बाकी है, आखिरकार 100 रुपया लगाए हैं, वसूली तो करना पड़ेगा ना। और ये क्या है, नाइफ फिश, नाइफ फिश मतलब चाकू की तरह लगेगा शायद, देखिए ऐसा ऐसा हम कभी भी देखे नहीं अपने जीवन में, पहली बार हम देख रहे हैं।
नाइफ फिश पहली बार अमेरिका के साउथ साइड में देखा गया था और ये केवल 60 सेंटीमीटर का होता है। और इस मछली का नाम है पैरोट फिश, क्योंकि ये पैरोट की तरह रंग बिरंगे होते हैं एवं पैरोट की तरह इसका मुंह भी होता है। और ये समंदर के तल में पाया जाता है जहाँ पे पत्थर और पौधे होते हैं और वहीं पे ये अपना साम्राज्य बनाते हैं। इस मछली का नाम है सिल्वर एरोवाना। ये दक्षिण अमेरिका के मीठे पानी वाले झील में पाए जाते हैं। इस मछली के शरीर के अंदर कांटा नहीं बल्कि हड्डियां होती है और समंदर के अंदर ये मछली बहुत खतरनाक और शिकारी होते हैं। ये शिकार करना पसंद करते हैं। बाकी मेरे भाई लोग, ये सब लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं अच्छे से, एकदम फुल 100 रुपए का पैसा वसूल किया जा रहा है।